हेलो अंदर कहाँ घुस रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। इंटरव्यू इस हालत में? लके, मैं तो बहुत ही मॉडल हूँ, एडजस्ट करना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। Why? What's wrong, man? ऐसे चम चम करके आने वाले लोगों को हमारी कंपनी में एंट्री नहीं। Hey, this is not chum chum. This is style, fashion. मैं यहाँ डायरेक्टर के पोस्ट के लिए आया हूँ, तुझे समझ में नहीं आएगा। साइड प्लीज। हेलो, मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो लोग मुझे बाहर निकाल देंगे। लुक, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मैं बहुत दिमाग चलाता हूँ। दो मिनट के लिए अपने बॉस के पास छोड़ दिया तो ऐसे नौकरी लेकर आ जाऊंगा। हेलो, हमारी कंपनी बहुत रेपुटेटेड है, यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, पढ़ लो। वहाँ देखो हमारे एम्प्लॉयज कितने जेंटलमैन दिख रहे हैं। ऐसे बन के आओगे ना तो काम छोड़ो, कोई अंदर भी नहीं जाने देगा तुम्हें। भैया। बोलो भैया। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, बहुत मुश्किल में हूँ भाई। खाने को भी पैसे नहीं है, अगर अंदर छोड़ोगे तो नौकरी लेके आ जाऊंगा। भगवान के लिए अंदर जाने दो। देखने में उल्टे सीधे जरूर हो, लेकिन लड़के अच्छे हो तुम। एक काम करो, कल भी यहाँ ऐसे इंटरव्यू होगा। अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो अपना ये हुलिया बदल देना और अच्छे से आना, तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। देखो रूल्स रूल्स होते हैं भाई। प्लीज भाई। ये क्या हाल हो गया यार। अभी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नौकरी मिलनी बहुत जरूरी है, और नौकरी मिलने के लिए तो अपनी ये पर्सनालिटी को बदलना होगा। अरे यार, ये अंकल लोगों जैसा फॉर्मल पहनना होगा, बाल कट करने होंगे। मेरी दाढ़ी भी हटानी होगी यार। क्या कर सकता हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। Good morning, ma'am. Good morning. भाई। तुम फिर से वापस आ गए? अभी जो लड़की अंदर गई वो कौन है? इस कंपनी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर। अच्छा, मैंने उसे एंकर गौरी ही समझा था। एंकर गौरी ही है वो। वही हमारी कंपनी में नई एडवर्टाइजिंग मैनेजर बनकर आई हैं। कल तुम्हारा इंटरव्यू वही लेंगी। उनकी यहाँ से तुम्हारी नौकरी पक्की। क्या कहा? उनकी यहाँ से तुम्हारी नौकरी पक्की। उनकी यहाँ से तुम्हारी नौकरी पक्की। वो तुझे नौकरी देगी। वो तो सच है यार, मेरी डार्लिंग मुझे देखते ही सांप की तरह फुफकारने लगती है, नौकरी क्या देगी। अबे तूने क्या किया याद है? दिन रात उसके पीछे पड़ के उसको कितना परेशान किया है तूने। तो अब क्या करें? क्या करेगा अब? गौरी भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। डोंट वरी, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो एक खिड़की खुल जाती है। खिड़की? वो कहाँ है? खिड़की का मतलब आइडिया। कैसा आइडिया? देख, गौरी तुझे पहचान ना पाए और तुझे नौकरी भी मिल जाए, तुझे बस गेटअप चेंज करना होगा। अबे चप्पल से मारूंगा तुझे, क्या पुराने फिल्मों का आइडिया दे रहा है तू। ओल्ड इज गोल्ड माय डियर। तुझे कितनी बार बताऊं यार, गौरी के सामने ये सब वर्कआउट नहीं होगा, वो सामान्य लड़की नहीं है। अरे बकवास मत कर, वो असामान्य भी नहीं है। देख लक्की, तेरा असली नाम है विक्की कुमार, मार्कशीट में भी यही नाम लिखा है। तेरे लिए ये नाम लकी नहीं है, इसीलिए सारे गांव ने तेरा नाम चेंज करके लकी लकी रख दिया है, समझा ना तू। हाँ, तो उससे इसका क्या मतलब? लकी को मार दे, विक्की को जिंदा कर और नौकरी पाले ऐश कर। ए, ये सब वर्कआउट होगा क्या यार? अरे और कोई रास्ता भी नहीं है यार। देख लकी, तू लकी नहीं है, विक्की की तरह एक्ट कर, नौकरी पाले, तू भी ऐश करेगा और मैं भी ऐश करूंगा। अरे इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तूने तो चुटकियों में सुलझा दी है यार, तुझे मैं क्या सिखाऊंगा यार। देख लकी, सॉरी विक्की, भगवान का नाम ले, लकी कुमार विक्की बन जा, जय हो। भगवान बोल रहा है भगवान। अबे तेरा भगवान क्या कर लेगा, जा पत्थर के सामने हाथ जोड़ते रहते हैं सब पागल। लकी। कैसे भी आप बुला ही लेते हो ना।
ऑल इंडिया 33 करोड़ भगवान की लिस्ट में आप ही सबसे नंबर वन पर हो, और आप बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल हो ऐसा लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन पर्सनली कभी मीट करना नहीं हुआ। वो क्या है ना कि श्री गणेश वक्र तुंड एक दंत मूषक वाहना, मैं आपके भरोसे पर ही आया हूँ भगवान। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। ओम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य। मैंने ऐसा कभी आपको टॉर्चर नहीं किया है। डायरेक्ट मैटर पे आता हूँ। एक तो मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, और सेकंड गौरी मुझे पहचान ना पाए। देखो फर्स्ट टाइम मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ गुरु। मुझे हेल्प करके आप अपनी नंबर वन की पोजीशन को बचा कर रखो। आपको मेरी हेल्प करनी है, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलता हूं प्लीज। हाँ सर, यहाँ सलून वाला तो आई 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 ये मेरा ही सलून है। आई आई बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए, ये तो चल बहुत दिन बाद तुम्हें कस्टमर है। बैठिए बैठिए बैठिए। ये कौन सा डब्बा सलून में लाया है बेटू? ऐसा मत बोलिए सर, ये सलून भी एक मंदिर जैसा ही है। क्या कहा? मंदिर? देखिए सर, मंदिर में आप सर झुकाते हैं ना, यहाँ पर भी आप अपना सर झुकाते हैं, वहाँ भी बाल कटवाते हैं और यहाँ भी बाल कटवाते हैं। जिंदगी के लिए कुछ अच्छा होने के लिए आप वहाँ मदद मांगते हैं, और जिंदगी में अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ पर बाल कटवाते हैं। वाह वाह, क्या बात कही सर आपने। देख आज सोमवार है, कोई भी सलून खुला नहीं है, हमारे पास पैसे भी कम है, ये अपना काम कर देगा यार। चल चलना लगी, चल 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 जल्दी आ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हां बैठ जा, रेडी आ, जरा देखते हैं कि क्या ये तो काफी कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। हेलो इसे कुछ, तुम जरा इधर आओ, आओ ना। जरा ऊपर देखो। अब रेडी सर? क्या हुआ? देख तू लकी के सर पे हाथ रख रहा है तो ये तेरा लक है, कुछ भी गलत मत करना, थोड़ा अच्छे से करना यार। भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप तो अपना सर बस मेरे हवाले कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग साधु का कमाल देखिएगा, कलाकारी से भरपूर है। अपनी कला दिखाने के बाद आपके सर की वैल्यू बढ़ जाएगी सर। यू जस्ट स्माइल एंड प्लीज गिव मी वन फोटो। जबरदस्त। सुनो आगे के बाल थोड़ा सा पीछे करके मस्त काट देना। मुझे सब कुछ पता है, आप चुपचाप मेरा काम करने दीजिए। रोना नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या बात है, रेडी सर? सुपर लग रहे हो। क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो। मुझे प्यार करने वाली अभी मुझे पक्का नहीं पहचानेगी ना। अरे वही लड़की क्या तुम्हें पैदा करने वाले माँ बाप तक नहीं पहचानेंगे। ऐसा क्या? टेस्ट करना चाहोगे? भाई चाय आ गई। ये बेटा सुन, पहचान कौन है ये बता? ये क्या भाई, आप क्या पूछ रहे हो? इनके साथ जो लंबे बाल वाला आया था वो यही है ना? ये मेरे को लगता है इसने आपके कपड़े देख के पहचान लिया होगा। क्यों है ना बेटा? कपड़ा देखकर नहीं भैया, आंखें देखकर पता चल जाता है। अरे 420, सब कुछ तो चेंज होता है लेकिन ये आंखें कैसे चेंज करूं? मैं हजारों लोगों के बीच रहूं, वो गौरी मुझे जरूर पहचान लेगी। डोंट वरी लकी, उसका भी इलाज है। कंप्यूटर पॉइंट प्रोग्राम हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस। डॉक्टर साहब नमस्ते। आप? सर मैं फोन, आईबॉल, कलर चेंज। आप लोग? मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। बैठिए बैठिए। इतना एक्साइट क्यों हो रहा है ये? अरे यार ये स्पेशलिस्ट हैं, ये हर काम को एक्साइट होकर ही करते हैं। डॉक्टर ये जो मेरी आंखें हैं ना, आप कुछ मत कहो, आप सिर्फ एग्रीमेंट पे साइन करो। एग्रीमेंट? ये क्या एग्रीमेंट बिग्रीमेंट बोल रहा है? फॉर्मेलिटी चीज है, साइन कर देना, जल्दी कर 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 साइन करो। डॉक्टर साहब हो जाएगा ना काम? सिस्टर। यस डॉक्टर। सब रेडी है ना? हाँ सब रेडी है डॉक्टर। जहाँ भी देखो सब धुआं धुआं लग रहा है। दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? He is Dr. Adi, famous eye specialist. He is genius. रुक जा। टेंशन क्यों ले रहे हो?
नो टेंशन, मेरे पास आ गए तो काम खत्म। प्रॉब्लम कम ऑन, चलिए 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 जा। डॉक्टर आदि आप काम शुरू कीजिए। बाबा डॉक्टर, आपने इससे पहले किसी का आई कलर चेंज किया है ना? हाँ, बहुतों का किया है। लेट ना यार तू, सर शुरू कीजिए आप। अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर, you're a genius. डॉक्टर, you're a genius. डॉक्टर आदि, आपको तो चांद पर होना चाहिए। पृथ्वी लोग तो क्या पूरे चंद्र लोग में भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा। चंद्र लोग। डॉक्टर आपकी फीस देखो, मैं उसमें एकदम पक्का हूँ, किसी को धोखा नहीं देता। ये लो। हाँ, जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुत्ता हो बकरी हो, सबको फीस देता हूँ, तो तुमको भी दूंगा ना। ये फीस लेने वाला नहीं, देने वाला डॉक्टर है। यस, यस। देखो, ऐसा कोई ग्राहक हो तो लेके आओ। ये बाय, यस, यस। चल लकी, हो गया अपना काम। अबे नालायक, तुझे पैसा चाहिए था और उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बकरा चाहिए था, वो मैं मिल गया। मेरी आंखें चली जाती तो क्या करता? अरे आंखें गई नहीं ना, टेंशन क्यों ले रहा है? वैसे भी लेंस के लिए हमारे पास पैसे हैं क्या? वो सब छोड़, तेरे आई बॉल का कलर चेंज हो गया है और गेटअप चेंज करने के लिए हमें चेंज भी मिल गया है। Wow. Sir. Sir. सर, आप ही हो ना जो कल रंग बिरंगे होकर आए थे? Exactly. हैं, कल देखो बिल्कुल बेकार लग रहे थे, आज बिल्कुल राजकुमार लग रहे हैं आप। ऐसे रहेंगे तो हर जगह काम मिलेगा। आज मैं आपको नहीं रोकूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका थैंक्स छोड़िए, मैं ही लकी हूँ, ये बात किसी को मत बताना। ठीक है सर, नहीं बताऊंगा, जाइए। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, प्रॉमिस करो। इतनी छोटी बात के लिए प्रॉमिस चाहिए सर? भगवान के लिए प्रॉमिस कर दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे करो यार। ओके, मेरी जान भी चली जाए, आप लकी हैं, किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है सर। Mm. 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 Mm